हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर नीता। वेलकम इन आवर फ्री एजुकेशन चैनल इंग्लिश मास्टर। ये स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12 का इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज जो हमने लॉन्च किया है, उसका यूनिट नंबर 1 का लेसन नंबर 1.4। द नेम इज बिग डेटा बिग इनसाइट्स। ओके, सो वी आर गोइंग टू लर्न दिस लेसन विद फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी विद मी प्रोफेसर नीता भूषण गायकवाड़। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट्स थ्रू आप सबका जो प्यार हमारे चैनल को मिल रहा है, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू आवर इंग्लिश मास्टर चैनल, कीप सपोर्टिंग। लेट चेक ओवर हियर, दीज आर सम सिंबल जो आपके जान पहचान के ही हैं, यू नो अबाउट इट, दैट इज द गूगल। ओके, ऑनलाइन अगर कोई कंटेंट सर्च करना है तो आप गूगल पे जाते हो, इट इज ईमेल, जीमेल, एंड दिस इज फॉर द इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर। ओके, दैट इज फॉर द पिंटरेस्ट, फेसबुक एंड ऑल अदर थिंग्स, दोज आर व्हाट्सएप। ओके, व्हाट्सएप दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो फेसबुक एंड व्हाट्सएप मोस्ट प्रोबेबली सब लोग यूज करते हैं। सो दीज आर ऑल दीज सोशल मीडिया कॉन्टेंट सिम्बल्स। सो ये यहाँ पे क्यों दिए गए हैं? सो इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट ओनली, द बिग डेटा एंड व्हाट इज द इनसाइट। इनसाइट्स मीन्स उनके अंदर क्या है, उनके अंदर क्या छिपा हुआ है, ये आज हम पढ़ेंगे। सो चलिए शुरुआत करते हैं। बिग डेटा बिग इनसाइट्स, व्हाट इज बिग डेटा? ओके, बिग डेटा यानी बड़ी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है? देयर इज अ रेवोल्यूशन इन द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल विच हैज बीन अफेक्टेड बाय बिग डेटा। रेवोल्यूशन यानी कि कुछ तो नया अच्छा होना। ओके, चेंज। ओके, इसको हम चेंज कहेंगे, रेवोल्यूशन इट मीन्स चेंज, द गुड चेंज। ये लोगों की जिंदगी की जो लाइफस्टाइल है, रहन सहन का तरीका है, उसमें बिग डेटा की वजह से बहुत सारे बदलाव आए हैं। आ फूड हैबिट्स, हमारे जो खाने का तरीका है, आ हेल्थ केयर, हमारी जो हेल्थ सिस्टम है, आ ट्रैवलिंग, जो हम ट्रैवल करते हैं, आ साइंटिफिक परस्यूट्स यानी कि जो भी नतीजे निकलते हैं, अच्छे नतीजे, सो उसको हम साइंटिफिक परस्यूट्स बोलेंगे। यू नेम इट एंड एवरीथिंग हैज चेंज 360 डिग्रीज की तरह राउंड राउंड सब घूमता रहता है और हर एक चीज़ हर एक मिनट पर चेंज हो जाती है। द मैसिव डेटा, मैसिव डेटा यानी कि अनकाउंटेबल, जिनको हम गिन नहीं सकते, उतना डेटा है अवेलेबल विद अस कैन रियली वर्क वंडर्स, जो हमें वंडर्स यानी आश्चर्यचकित कर देता है। फ्रेंड्स, दोस्तों, डू यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन वी लाइक अ पोस्ट ऑन फेसबुक और शेयर अ पोस्ट ऑन व्हाट्सएप? क्या आपको पता है जब हम फेसबुक पे कोई पोस्ट लाइक करते हैं या फिर व्हाट्सएप पे कोई पोस्ट शेयर करते हैं, विजिट एनी वेबसाइट, अगर किसी वेबसाइट को हम विजिट करते हैं, मेक ऑनलाइन परचेसेस, अगर ऑनलाइन कुछ हम शॉपिंग करते हैं, जैसे कि आप करते होंगे, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, एंड ऑल द इसी तरह से अलग अलग वेबसाइट्स है। ओके, और वॉच वीडियोज, या फिर आप वीडियोज देखते होंगे, फेसबुक पे होते हैं या फिर यूट्यूब पे होते हैं, लाइक दिस इज आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल वीडियो। ओके, सो येस, वट एवर एक्टिविटी वी डू ऑनलाइन इज रिकॉर्डेड। जो भी आप ऑनलाइन कंटेंट चेक करते हो, जो भी देखते हो, अभी अगर आप मेरा कंटेंट ऑनलाइन देख रहे हो, सो इट हैज बीन रिकॉर्डेड, तो ये रिकॉर्ड हो जाता है, मॉनिटर्ड, इस पर ध्यान रखा जाता है, एंड एनालाइज्ड, और इसका निरीक्षण परीक्षण किया जाता है। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज कलेक्टेड। सो ह्यूज अमाउंट यानी कि बहुत सारे अमाउंट में अनकाउंटेबल डाटा कलेक्ट किया जाता है। लेट मी गिव यू एन आइडिया, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि ऑफ हाउ ह्यूज द डेटा माइट बी, कि कितना बड़ा डेटा हो सकता है। बिग डेटा कैन बी पीटाबाइट्स और एक्सबाइट्स ऑफ डेटा कंसिस्टिंग ऑफ बिलियंस टू ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। यहाँ पे देखिए, पेटाबाइट्स इज यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इक्वल टू 1000 मिलियन। ओके, 1 करोड़ के आसपास ये डेटा हो जाता है पेटाबाइट्स, और एक्सबाइट्स का मतलब होता है कि यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इक्वल टू 1 क्विंटिलियन। ये सबसे अनकाउंटेबल, ओके, यानी कि हम बोलते हैं ना करोड़ों, अब जो उससे भी ज्यादा। सो ऑल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, ये जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, ये डिफरेंट सोर्सेस रहते हैं, जैसे कि फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, गूगल हो, यूट्यूब हो, जो भी ऑनलाइन हम चेक करते हैं वेबसाइट्स हो, उससे ये डेटा कलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वेब, यानी कि उदाहरण के लिए वेब यानी कि www, इससे जो भी वेबसाइट स्टार्ट होते हैं, यानी कि google.com हो या फिर याहू हो, इस तरह के जितने भी ऑनलाइन कंटेंट हम शेयर करने के लिए चेक करते हो, दैट इज कॉल्ड वेब।
सेल्स यानी कि जो आप सेल करते हो, ओके, ऑनलाइन शॉपिंग में आप परचेस करते हो लेकिन कोई तो वो वेबसाइट सेल करती है, कस्टमर कांटेक्ट सेंटर, सोशल मीडिया, मोबाइल डेटा एंड सो ऑन, इसी तरह से ये डेटा लिया जाता है। द डेटा अवेलेबल टू इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज इज इनॉर्मसली इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि जो डेटा, यानी कि आप ऑनलाइन जाते हो, ठीक है, तो आपका अगर ईमेल आईडी है तभी आप सर्च कर सकते हो कंटेंट, ठीक है। यूट्यूब पे अगर आपको आना है तो तभी आपको आपका ईमेल आईडी कंपलसरी है, ओके। एंड वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस भी होते हैं, अगर आप 18 प्लस हो तो आप एडल्ट का कंटेंट देख सकते हो, इट मीन्स स्कूल रिलेटेड हो, स्टडी रिलेटेड हो, साइंटिफिक नॉलेज रिलेटेड हो, इट एट्सेट्रा। द डेटा अवेलेबल टू इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज इनॉर्मसली, इनॉर्मसली यानी कि बहुत ही ज़्यादा, मच मोर, ओके। इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम, वेरिएशन, वेलोसिटी, वेरासिटी एंड एंड वैल्यू, वैल्यू यानी कि फिर उस डेटा की कीमत भी बढ़ जाती है, उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, वॉल्यूम यानी कि उसका जो परिणाम होता है, ठीक है। वेरिएशन यानी कि उसमें जो डिफरेंट काइंड्स होते हैं, उसके बाद वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मतलब होता है कि उसका जो स्पीड होता है, ठीक है, वेलोसिटी इट मीन्स स्पीड होता है। तो आप ये जो मैं बता रही हूँ आपको, तो वो सारा कंटेंट, सॉरी, वो सारे जितने भी मैं वर्ड्स आपको बता रही हूँ सभी के हिंदी में आप मीनिंग लिख लीजिएगा। वेलोसिटी इट मींस स्पीड, वेरिएशन मींस उसमें जितने भी चेंजेस होते हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ, वॉल्यूम यानी उसका जो वॉल्यूम होता है, यानी कि उसकी जो उसको बोलते हैं हम, व्हाट इट मींस की वॉल्यूम दो चीजों का होता है, एक तो वॉल्यूम होता है उसकी आवाज, और दूसरा जो वॉल्यूम का जो मीनिंग निकलता है इट मीन्स कि उसका जो परिणाम होता है, ठीक है। एंड वेरासिटी इट मीन्स सच्चाई, एंड वैल्यू यानी कि उसकी जो वैल्यू होती है वो। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। सच ए बिग डेटा इज ईजी टू ऑब्टेन बट सो मैसिव डेटा दैट इज चैलेंजेस द करंट कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज। जो आजकल की कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है उसके लिए एक टाइप का ये चैलेंज ही है कि जिस तरह से ये यूज बढ़ रहा है डे बाय डे, एंड हेंस बिग डेटा एनालिटिक्स इज यूज टू गिव इनसाइट्स दैट वर प्रीवियसली इनकम्प्रिहेंसिबल। ओके, सो यहाँ पे आपको ऐसा बताया गया है कि जो भी आप डेटा यूज करते हो, यानी आप और आप जैसे जितने भी लोग हैं, ठीक है, सो यहाँ पे दिया गया है कि बिग डेटा एनालिटिक्स यूज टू गिव इनसाइट्स दैट वर प्रीवियसली इनकम्प्रेहेंसिबल। इनकम्प्रेहेंसिबल यानी कि समझ से बाहर, यानी कि हमारे समझ से ये बाहर था अब तक, लेकिन अभी हमको ये समझ में आ रहा है। बिग डेटा एनालिटिक्स इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ एग्जामाइनिंग लार्ज एंड वेरियड डेटा सेट्स और बिग डेटा टू कवर बिग डेटा टू अनकवर इन्फॉर्मेशन सच एज हिडन पैटर्न्स, अननोन कोरिलेशंस, मार्केट ट्रेंड्स एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस। यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि बिग डेटा एनालिटिक्स इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ एग्जामाइनिंग लार्ज एंड वेरियड डेटा। जो बहुत बड़ा और डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा है उसको एग्जामाइन करना, यानी कि उसका जांच करना, ये काम यहाँ पे किया जाता है। और बिग डेटा टू अनकवर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अनकवर हो जाती है, सच एज हिडन पैटर्न जो होते हैं, अननोन कोरिलेशंस होते हैं, मार्केट ट्रेंड्स है, कस्टमर प्रेफरेंसेस यानी कस्टमर कौन सी चीज ज्यादा सर्च कर रहा है, कौन सी कम सर्च कर रहा है, ये ऑल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है। With such a huge data available with the industries, they can have innumerable advantages since all the industries are trying to reap the maximum benefit from it. So, जो बाकी की industries है उनको innumerable advantages यानी कि अनगिनत उनको उससे फायदे मिलते रहते हैं। Many industries have advanced by miles from their competitors. इस तरह से क्या होता है कि हर एक जो इंडस्ट्री का कंपिटिटर है, जो भी मार्केट में उतरता है, यानी कि पेटीएम हो, गूगल पे हो, दिस ऑल आर दी सोशल, यानी कि ये ऑनलाइन यूज करना है आपको, इसके लिए आपको इंटरनेट का डाटा मस्ट ही है। सो उनमें जो कंपटीशन होता है, उनका जो कंपटीशन है, सो मैनी इंडस्ट्रीज हैव एडवांस्ड बाय माइल्स फ्रॉम देयर कंपटीटर्स। तो एक दूसरे से वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और कुछ ना कुछ तो एडवांस लेके आते हैं। It's not the amount of data that is important, but what the organizations do with the data is what matters. लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही important बात कही है कि data कितना है ये important बात नहीं है, लेकिन वो जो organizations हैं जिनके पास हमारा data रहता है, जिनको हम search करते हैं, वो हमारे data के साथ क्या करती है, that is important. Okay?
अभी यहाँ पे देखिए, यूजेस ऑफ बिग डेटा, यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इसका यूज, इसका उपयोग कैसे किया जाता है। द फर्स्ट पॉइंट इज लोकेशन ट्रैकिंग। लोकेशन ट्रैकिंग यानी कि जीपीएस होता है सबके मोबाइल में, राइट? तो लोकेशन ट्रैक करना यानी कि आप कहाँ पे हो समझ में आ जाना। बिग डेटा हैज बीन यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग एंड ट्रैकिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस। आप जिस जगह पे हो वो लोकेशन को एग्जैक्ट यानी कि 100% ट्रैक करने के लिए लोकेशन ट्रैकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए आपके मोबाइल में जीपीएस होता है, और जीपीएस एंड गूगल मैप्स मेक यूज ऑफ बिग डेटा। लोकेशन ट्रैकिंग के लिए जीपीएस एंड गूगल मैप्स का यूज किया जाता है। विद जियोग्राफिक पोजिशनिंग एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सेंसर्स वी गेट द रियल टाइम डेटा अबाउट ट्रैफिक। ट्रैफिक का जो डेटा रहता है वो हमें जियोग्राफिक पोजिशनिंग एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सेंसर्स, ये जो एक सिस्टम है, इससे मिलता है। ओके, सो यहाँ पे देखिए, अगर आपका लोकेशन ट्रैक करना है तो आप अपने मोबाइल में, अगर आपने अभी तक वो देखा नहीं है तो जाके आप अपना जीपीएस ऑन करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बोला है विद जियोग्राफिक पोजिशनिंग एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सेंसर्स वी गेट द रियल टाइम डेटा अबाउट ट्रैफिक एंड कंजेशन। ओके, कंजेशन का मीनिंग क्या है कि जो जमाव है, ओके, यानी कि जो लोग है, कंजेशन ऑन अ पर्टिकुलर रूट इंफॉर्मेशन इफ द रूट इज क्लोज्ड और इफ इट इज अ वन वे रूट, कि कौन सी रोड पे कंजेशन, यानी कि ट्रैफिक कौन से रोड पर है, कौन सा रोड बंद है, कौन सा रोड खुला है, वन वे कहाँ पे है या फिर टू वे कहाँ पे है, लाइक दिस। अंडरस्टैंडिंग एक्सीडेंट प्रोन एरिया, जहाँ पे एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं वो एरियाज फाइंड आउट करना, एटसेट्रा इत्यादि। यू कैन प्लान योर ओन रूट अकॉर्डिंग टू द ट्रैवल टाइम एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। आपको जो उस टाइम पे निकलना है, जैसे निकलना है, तो आप इसकी लोकेशन ट्रैकिंग की हेल्प से आप अच्छी तरह से अपना ट्रैवल करने के लिए फिर निकल सकते हो। इफ यू हैव ऑर्डर्ड समथिंग ऑनलाइन यू कैन ट्रैक द लोकेशन ऑफ योर गुड्स इन ट्रांजिट। यू कैन ऑल्सो ट्रैक द कंडीशन ऑफ द गुड्स, अगर आपने कुछ मंगवाया है, राइट? अगर आपने यहाँ से देखिए फ्लिपकार्ट से अगर कुछ ऑनलाइन ऑर्डर दिया है तो उसका पूरा एक आपको प्रोसेस दिखाई देता है। ट्रैकिंग सिस्टम जो फ्लिपकार्ट हो या फिर अमेजॉन हो वो आपको प्रोवाइड करते हैं कि आपका प्रोडक्ट कहाँ से डिस्पैच हो चुका है, कहाँ से निकल गया है, कौन आपको प्रोडक्ट डिलीवर करने वाला है, उस डिलीवरी बॉय का जो नाम होता है, उसके बाद उसका इंफॉर्मेशन, वो कहाँ तक आया, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है इसको लोकेशन ट्रैकिंग थ्रू ट्रैक किया जाता है। दिस हैज इमेंसली हेल्प लॉजिस्टिक कंपनीज, यानी कि देखिए जो भी अभी जो कंपनियों का माल बिकता है, ठीक है, लॉजिस्टिक कंपनी को इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। रिड्यूस रिस्क इन ट्रांसपोर्ट, इससे उनका जो रिस्क होता है ट्रांसपोर्ट का वो कम हो जाता है। इम्प्रूव स्पीड बढ़ जाता है एंड रिलायबिलिटी इन डिलीवरी, और लोगों का इस पर जो विश्वास होता है वो भी बढ़ जाता है। नंबर टू, अंडरस्टैंडिंग द वेदर पैटर्न्स। अंडरस्टैंडिंग द वेदर पैटर्न्स, वेदर का मतलब है जो भी वातावरण है, सो उसका, उसे समझने के लिए, कब बारिश होने वाली है, कब धूप ज्यादा होने वाली है, कब ठंड गिरने वाली है, सो ऑल दिस थिंग्स, ये भी हम ट्रैक कर सकते हैं। देर आर वेदर सेंसर्स एंड सैटेलाइट सेटअप ऑल अराउंड द ग्लोब, पूरे ग्लोब में यानी कि पूरे वर्ल्ड में ये सेट किया है। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज कॉन्टिन्यूसली बींग रिसीव्ड फ्रॉम देम, और उससे बहुत ही बड़ी मात्रा में डेटा रिसीव किया जाता है। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वेदर एंड हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग यानी कि जो न्यूज चैनल पे आपको समझता है या फिर आपके मोबाइल में भी देखिए, जब आप मोबाइल अनलॉक करते हो और उसके बाद एक साइड पे ये चल रहा होता है कि हाँ आज टेम्परेचर कितना रहेगा, ठीक है, आज टेम्परेचर इतना कम रहेगा, इतना ज्यादा रहेगा, दैट इज दैट वी कॉल वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि उसकी इंफॉर्मेशन बताना। वेदर पैटर्न्स गिव अस वार्निंग ऑफ द इम्पेंडिंग एंड नेचुरल कैलामिटीज। नेचुरल कैलामिटीज इट मीन्स कि ग्रेट एंड ऑफन सडन डैमेजेस और डिस्ट्रेसेस। नेचुरल कैलामिटीज यानी कब भूकंप होने वाला है, कब कहाँ पे सुनामी आने वाला है, लाइक दिस, लाइक फ्लड्स यानी कि जो पानी में सुनामी के जैसे जो हम बोलते हैं ना इसको, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स यानी भूकंप आना, सुनामी, एटसेट्रा। इम्पेंडिंग का मतलब है अबाउट टू हैपन, कि जो होने वाला है उसके बारे में पहले फोकस्ड किया जाता है। नेसेसरी प्रेपरेशन टू कॉम्बैट देम कैन बी मेड वेल इन एडवांस, और इसको रोकने के लिए, नेसेसरी प्रेपरेशन टू कॉम्बैट, और उसको रोकने के लिए और उससे लोगों को बचाने के लिए फिर इंतजाम किए जाते हैं। वी कैन स्टडी ग्लोबल वार्मिंग, हम ग्लोबल वार्मिंग स्टडी करते हैं। प्रेडिक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, वाटर कितनी मात्रा में अवेलेबल है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी फिर हमें जानकारी मिलती है।
ये जो जानकारी हमें मिलती है इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग द वेदर पैटर्न. ओके, सो डेटा का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है. नंबर थ्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री यानी हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकल इंडस्ट्री. ओके, टुडे वी सी दैट पीपल हैव बिकम हेल्थ कॉन्शियस. आज के इस दुनिया में लोग बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हो गए. अगर हेल्थ अच्छी है तो ये आप ज्यादा दिन जी सकते हो और हर एक मोमेंट को एंजॉय कर सकते हो. द स्मार्ट वॉचेस, आपके पास स्मार्ट वॉचेस है. अदर वेयरेबल्स, हेल्थ एप्स है, आपके मोबाइल में हेल्थ एप्स भी निकलते हैं कि जितने भी आप स्टेप्स काउंट हो या फिर आपको पानी कब पीना है, इसी तरह से वो आपको फिर रिमाइंडर्स आते रहते हैं, राइट. इन आर फोन कीप ऑन कलेक्टिंग डेटा, तो वो क्या करता है, हमारा डेटा कलेक्ट कर रहता है. हमारा मोबाइल जो रहता है हमारा डेटा कलेक्ट करता रहता है. वी कैन से दैट दे आर आर ओन मिनी बायोमेडिकल रिसर्च डिवाइसेस. ओके, ये हमारी खुद की केयर करने वाले एक छोटे डिवाइसेस रहते हैं. दे डिटेक्ट आर हार्ट रेट, हमारा हार्ट रेट डिटेक्ट करते हैं. मॉनिटर द पेशेंट स्लीप पैटर्न, आप कितनी देर सोते हो कितनी देर जागते हो वो भी वो मॉनिटर करता है, ध्यान रखता है. कीप अ रिकॉर्ड ऑफ हिज एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज कितनी देर करते हो उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है. द डिस्टेंस वॉक एटसेट्रा, इट मीन्स वो स्टेप काउंट जो रहता है उसमें आप कितना स्टेप्स काउंट हो गए, कितने मीटर किलोमीटर आप चल के आ गए, ये सारा उसमें दिखा देता है. द एनालिसिस ऑफ दिस डेटा कलेक्टेड कैन गिव न्यू इनसाइट्स एंड प्रोवाइड अ पर्सनलाइज्ड इंडिविजुअल फीडबैक टू ईच एंड एवरी पर्सन. हर एक पर्सन को उसके हेल्थ के बारे में फिर इससे पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन मिल जाती है. नाउ डेज, आज के दिन में वी हैव गैजेट्स टू मॉनिटर ब्लड शुगर को घर पे भी आप चेक कर सकते हो. इसके लिए गैजेट्स हैं, नए नए टाइप के मार्केट में गैजेट्स आ रहे हैं. ब्लड प्रेशर भी आप चेक कर सकते हो घर पे, ब्लड शुगर भी चेक कर सकते हो एट होम घर पे ही. 24/7 मॉनिटरिंग कैन बी प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स टू. और अभी हॉस्पिटल में भी 24/7 पेशेंट्स को चेक करने के लिए गैजेट्स का इस्तेमाल किया जाता है. विद द हेल्प ऑफ बिग डेटा द डॉक्टर्स कैन नाउ हैव बेटर डायग्नोसिस ऑफ एनी एलिमेंट. हर एक डिसीज पे अच्छी तरह से डायग्नोसिस किया जाता है, उसको उपचार किया जाता है. द इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग एक्सेट्रा, हर अगर यहाँ पे ड्रग का मतलब है अगर कोई मेडिसिन है उसका इफेक्ट आपके बॉडी पे क्या होने वाला है वो भी आपको ऑनलाइन सर्च करने के बाद पता चल जाता है. अननेसेसरी गैस वर्क कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड. और इससे क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा वर्क किया जाता है वो कम हो जाता है. पास रिकॉर्ड्स ऑफ द पेशेंट्स कैन बी मेंटेन एंड बेटर एनालिसिस ऑफ द हेल्थ कैन बी ऑब्टेन. इससे क्या हो जाता है कि पेशेंट का पास रिकॉर्ड भी समझ जाता है डॉक्टर को और आगे उसके हेल्थ के रिलेटेड वो अच्छी तरह से उसे ट्रीट भी कर सकता है. बिग डेटा हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द आउटब्रेक्स ऑफ एपिडेमिक्स एंड डिसीज. और किसी अगर बीमारी से किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम होने वाला है तो उसके बारे में भी ये मॉनिटर किया जाता है. जस्ट व्हेन यू पोस्ट योर मैसेज आई एम डाउन विद फ्लू ऑन व्हाट्सएप और फेसबुक इट विल बी मॉनिटर्ड. And the areas affected by flu can be easily located and necessary precautions can be taken. It means आज की इस सिचुएशन में जब कोरोना वायरस का इश्यू चल रहा है तो आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप है, उसमें अगर वो आपको क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, कि आपको फ्लू है क्या, आपको कोल्ड है क्या, अगर आप वो डिटेक्ट करते हो है तो वो फिर अपडेट करता है इन्फॉर्मेशन. इससे क्या होता है कि आपके एरिया में जितने भी पेशेंट्स हैं उनका काउंट आपको पता चल जाता है, किसको कुछ हेल्थ इश्यू है तो उसका काउंट पता चल जाता है. सो इट इज द हेल्प ऑफ द बिग डेटा. ओके, फार्मास्यूटिकल कंपनीज वुड पे ह्यूज अमाउंट टू रिसीव द हेल्थ डेटा ऑफ पीपल टू प्रमोट रिसर्च इन द पर्टिकुलर एरिया. इसके लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी जो भी मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं तो वो ह्यूज अमाउंट पे करते हैं to receive the health data of people to promote research in the particular area. With the help of the data gathered, individuals are often given suggestions and solutions for the problems they are encountering. अगर आपको online अभी इस situation में आप online doctor का help ले सकते हो, online आप उनसे बात कर सकते हो, उनको आपके problems बता सकते हो, उस पर doctors आपको online किस तरह से आपको खुद की care करनी है, कौन सा tablets आपको लेने हैं, सभी चीजें अभी online आप कर सकते हो. It's called big data, big insights. नंबर फोर, बैंकिंग फाइनेंस एंड ट्रेडिंग. बैंकिंग यानी बैंक में जो आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं, फाइनेंस यानी कि जो आप लोन्स वगैरह लेते हो, ट्रेडिंग यानी कि जो आप शेयर्स वगैरह परचेस करने वाले हो, लाइक ऑल दिस थिंग्स. विद द बिग डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा का जो निरीक्षण किया जाता है, परीक्षण, द इन्वेस्टमेंट पैटर्न ऑफ द पीपल कैन बी स्टडीड. इससे लोग कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करते हैं वो समझ लिया जाता है. न्यू इनसाइट्स हैव इनेबल्ड द बैंक्स एंड फाइनेंस कंपनीज टू कम विद सुटेबल प्लान्स. इससे क्या होता है कि जो फाइनेंस कंपनीज
एज अ बैंक्स हैं, वो अच्छे अच्छे नए नए प्लान्स आपके लिए फिर लेके आ सकते हैं। बिग डेटा हैज इनेबल स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दिस एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस। इससे क्या हो गया है कि इन जो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर है इनको बहुत ढेर सारी हेल्प मिल जाती है कि कस्टमर का जो रेशो है, व्हाट द कस्टमर वांट मींस व्हाट इज द नीड ऑफ द कस्टमर्स, ये उनको समझ में आता है। यानी कि जो आप ऑनलाइन सर्च करते हो, जो पॉलिसी आप सर्च कर रहे हो, यानी कि आपका सर्च रिजल्ट उनके पास पहुंच जाता है। लाइक दिस वो आपको फिर सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर इज यूजिंग बिग डेटा टू प्रेडिक्ट एंड प्रिवेंट साइबर क्राइम। साइबर क्राइम यानी ऑनलाइन जो फ्रॉड्स होते हैं उसको कम करने के लिए बैंक्स को फिर मदद मिल जाती है। कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन हो, कार्ड का जो फ्रॉड होता है, अर्काइवल ऑफ ऑडिट ट्रेल्स हो, एटसेट्रा। बाय एनालाइजिंग द पास्ट डेटा ऑफ देयर कस्टमर्स एंड द डेटा ऑन प्रीवियस ब्रूट फोर्स अटैक्स। ब्रूट फोर्स अटैक्स इट मीन्स अ साइबर अटैक दैट रिलाइज ऑन गैसिंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ अ टारगेटेड पासवर्ड अंटिल द राइट वन इज फाउंड। कि वो लोग तब तक आपका डेटा हैक करने का प्रयास करते हैं जब तक कि उनको आपका राइट पासवर्ड नहीं मिलता, ये इसका मीनिंग है। बैंक्स कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर अटेम्प्ट्स। बैंक्स को फिर आने वाले समस्याओं के बारे में पहले ही पता चल जाता है और उससे बचाव के लिए वो कुछ ना कुछ तो प्रिकॉशंस ले लेती है। बिग डेटा नॉट ओनली हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग साइबर क्राइम्स बट इट ऑल्सो हेल्प्स इन हैंडलिंग इश्यूज रिलेटेड टू मिस ट्रांजेक्शन्स एंड फेल्यूर्स इन नेट बैंकिंग। और अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हो, अगर आपका कोई ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो वो डेटा जो होता है वो बैंक के पास चला जाता है। अगर आपका ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, बैंक से पैसा कटा है, तो आपके अकाउंट में वापस से आ जाता है। लाइक दिस इस तरह से बैंक्स को इसका हेल्प हो जाता है। इट कैन इवन प्रेडिक्ट पॉसिबल स्पाइक्स ऑन सर्वर्स सो दैट कैन बैंक कैन मैनेज ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंगली। तो इस तरह से ट्रांजेक्शन मीन्स एन एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ फंड्स। ऑनलाइन आप अभी फंड ट्रांसफर भी कर सकते हो, इमीडिएट IMPS है, नेफ्ट है, इससे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। सो इससे जो हम जैसे लोग हैं उनको हेल्प हो जाती है। द सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन SEC इज यूजिंग बिग डेटा टू मॉनिटर फाइनेंशियल मार्केट्स फॉर पॉसिबल इलीगल ट्रेड्स एंड सस्पिशियस एक्टिविटीज। यानी कि जो भी शेयर मार्केट में इलीगल काम करते हैं लोग, तो उनके लिए उनको फाइंड आउट करना इससे SEC को फिर आसान हो जाता है। द SEC इज यूजिंग नेटवर्क एनालिटिक्स एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसेस टू आइडेंटिफाई पॉसिबल फ्रॉड्स इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। सो डेटा की वजह से शेयर मार्केट हो, बैंकिंग हो, फाइनेंस हो, इनको बहुत सारी हेल्प मिल जाती है फ्रॉड को ढूंढने के लिए। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर इज यूजिंग बिग डेटा टू failures in net banking, it can even predict possible spikes on servers so that bank can manage transactions accordingly. The Security Exchange Commission, SEC, is using big data to monitor financial markets for possible illegal trades and suspicious activities. यहाँ पे ये double repeat हो गया है, I'm so sorry about it, but कोई बात नहीं, हमारा repeat हो जाएगा। The SEC is using network analytics and natural language processor to identify possible frauds in the financial markets. अभी देखिए, high frequency trading इसको हम short में कहेंगे HFT. In area where big data finds a lot of use today, high frequency trading में data ज्यादा use किया जाता है, कि जहाँ पे share market का काम बहुत ज्यादा और जोर से चलता है। Here, big data algorithms are used to make trading decisions. Okay, algorithms यानी कि जो भी उसमें transactions होते हैं उसके बारे में जो information होती है वो online फिर share market में जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं उनको पता चल जाती है। टुडे द मेजॉरिटी ऑफ इक्विटी ट्रेडिंग नाउ टेक्स प्लेस वाया डेटा एल्गोरिदम्स दैट इंक्रीजिंगली टेक इनटू अकाउंट सिग्नल्स फ्रॉम सोशल मीडिया नेटवर्क्स एंड न्यू वेबसाइट्स टू मेक बाय एंड सेल डिसीजंस इन स्प्लिट सेकंड्स। तो क्या होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ एप्स निकले हैं ऑनलाइन, आप फिर सर्च करके आपके हिसाब से फिर शेयर आप घर बैठे भी परचेस कर सकते हो, सेल कर सकते हो, इस तरह से आपको हेल्प मिल जाता है। नंबर 5 एल्गोरिदम का यहाँ पे मीनिंग देखिए, प्रोसेस ऑफ सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड इन कैलकुलेशन स्पेशली बाय कंप्यूटर। यानी कि कब ट्रेड ऊपर जाने वाला है, कब नीचे आने वाला है, कब प्रॉफिट में जाओगे, आपको लॉस हो जाएगा, ये सारी चीजें आपको वन क्लिक पे पता चल जाती है। नंबर 5 स्पोर्ट्स में इसका योगदान कैसा है, व्हेन वॉचिंग अ क्रिकेट मैच वी आर शोन सो मेनी permutations and combinations of statistical analysis. Okay, उस time पे वो ball कितनी दूर गई, batting कैसी हो गई, तो इस तरह के वो different kinds of angles आपको दिखाए जाते हैं। So ये किसकी मदद से होते हैं, data की मदद से होते हैं। और
Gigantic data has been created over a period of time from the recording of matches, training session and workouts. The data enables a sports person to study his performance as well as of the other players worldwide. इससे हमें भी घर बैठे पता चल जाता है कि कौन सा प्लेयर अच्छा खेल रहा है, कौन सा प्लेयर टॉप में है, लाइक और बाकी के प्लेयर्स को भी पता चल जाता है दूसरे प्लेयर्स के बारे में. It has tremendously help in improving individual as well as team performance. इससे क्या होता है, टीम परफॉर्मेंस को हेल्प मिल जाता है, उनमें अगर कुछ कमी आ रही है किसी चीज पे तो वो डेवलप कर सकते हैं. The sensors embedded in the sport equipment help us to understand our game from close quarters. आपको पता यहाँ पे देखिए क्रिकेट आप बहुत नजदीक से आपको दिखता है लाइक सो इतनी नजदीक तो कैमरा नहीं जा सकता, बट देर आर सम सेंसर एम्बेडेड. सो इससे क्या होता है, हमको हर एक मैच में बैट कहाँ से बॉल कहाँ पे लग रहा है वो हम ऑनलाइन वो टीवी पे घर बैठे देख सकते हैं. सो इट ये हेल्प बिग डेटा की हेल्प से ही होता है. द सेंसर्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फील्ड कंडीशंस, द वेदर, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एटसेट्रा. वीडियो एनालिटिक्स हेल्प अस टू सी ईच एंड एवरी परफॉर्मेंस मिनटली. हर मिनट पर हमको उनका परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाता है. नंबर 6, एडवर्टाइजिंग. Advertisers are one of the biggest players in big data. Be it Facebook, Google, Twitter or any other online giant, all keep a track of the user behavior and transactions. यानी कि ये जो Facebook है, Google है, Twitter है, इनको 99% funding कहाँ से आ जाता है? Advertisement. और जो एडवर्टाइजर्स हैं उनसे आ जाता है. दिस इंटरनेट जायंट्स प्रोवाइड अ ग्रेट डील ऑफ डेटा अबाउट पीपल टू द एडवर्टाइजर्स सो दैट दे कैन रन टारगेटेड कैंपेन्स. सो इस तरह से अलग अलग कैंपेन रन किए जाते हैं. टेक फेसबुक फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखिए फेसबुक का एग्जांपल दिया है. हियर यू कैन टारगेट पीपल बेस्ड ऑन बाइंग इंटेंट, वेबसाइट विजिट्स, इंटरेस्ट, जॉब रोल्स, डेमोग्राफिक्स means statistical data relating to the given population and particular groups within it. आप Facebook पे क्या ज्यादा सर्च करते हो, अगर कोई ऐड आती है तो आप उसको कितनी देर तक देखते हो, ये सारा वहाँ पे वो मॉनिटर करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसी तरह से फिर वो ये जो डाटा होता है ये एडवर्टीजमेंट कंपनी को दिया जाता है. All this data is collected by Facebook algorithms using big data analysis technique. The same goes for Google. ये same data Google को provide किया जाता है. When you target people based on clicks, you will get different results. And when you create a campaign for leads, then you will get different results. Like देखिए अभी YouTube पे हमारा ये video चल रहा है, तो कितने लोग देख रहे हैं? ओके, सो मेरे पास एक टूल है तो उसमें मुझे पता चल जाता है एनालिसिस में कि कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने लोग डिसलाइक कर रहे हैं. डिसलाइक तो कुछ फीवर ही है, आई डोंट नो व्हाई आर दे डिसलाइकिंग, बिकॉज हम तो सारा एजुकेशनल कंटेंट ही प्रोवाइड करते हैं लेकिन लोगों का क्या परेशानी है पता नहीं चल रही है, बट फॉरगेट इट. लेकिन क्या होता है कि ये सारा डाटा मुझे मेरे मोबाइल पे एक ऐप है उसके थ्रू पता चल जाता है. जो कमेंट्स में आपके कमेंट्स थ्रू अगर आपको कोई सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए, आपके अगर क्वेश्चंस हो तो वो मुझे पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ द बिग डेटा. ऑल दिस इज मेड पॉसिबल यूजिंग बिग डेटा. 7. Entertainment and media. In the field of entertainment and media, big data focuses on targeting people with the right content at the right time. Based on your past views and your behavior online, you will be shown different recommendations. अभी देखिए आप अगर आपने साउथ इंडियन मूवीज सर्च की है तो सारे साउथ इंडियन मूवीज के आपको फिर रिकमेंडेशन आते हैं. अगर आपने एजुकेशनल रिलेटेड कोई वीडियो सर्च किया है तो आपके उसी टॉपिक से रिलेटेड फिर बाकी के कॉन्टेंट भी आ जाते हैं कि ये है वो है, रिकमेंडेशन उसको कहते हैं. This technique is popularly used by Netflix and YouTube to increase engagement and drive more revenues. So, इसे Netflix और YouTube इसी तरह से public को फिर recommend करके बाकी के channels के views बढ़ाता है. Now, even television broadcasters are looking to segment their viewers database and show different advertisement and shown accordingly. अभी देखिए TV पे अगर कोई serial लगने serial चल रहा है, 30 minutes का serial होता है, लेकिन उसमें हर एक 5 minute के बाद हर एक 5 मिनट के बाद 60 सेकंड का हो या फिर 30 सेकंड का हो ब्रेक आ ही जाता है और उस ब्रेक में अलग अलग प्रकार के एडवर्टीजमेंट चलते हैं, राइट. सो ये एंटरटेनमेंट एंड मीडिया को भी बिग डेटा का इस्तेमाल होता है. दिस विल अलाउ बेटर रेवेन्यू फ्रॉम एड्स एंड विल प्रोवाइड अ मोर एंगेजिंग यूजर एक्सपीरियंसेस. इससे क्या होता है, एडवर्टीजमेंट कंपनी से एंटरटेनमेंट एंड मीडिया को भी पैसा मिल जाता है. एजुकेशन इंडस्ट्री जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एजुकेशन इंडस्ट्री यहाँ पे देखिए बिग डेटा हैज inundated the education industry. Okay, let me tell you. इसका जो excuse me. Okay, इसका inundated. Okay, यानी कि इसका मतलब है कि
जो सैलाब आना, ठीक है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लेंगे कि बिग डेटा हैज इन अनडेटेड द एजुकेशन इंडस्ट्री, कि एजुकेशन इंडस्ट्री में भी ये एक सैलाब की तरह बिग डेटा का इस्तेमाल होता है. इट हैज ट्रांसफॉर्म इट इन लीप्स एंड बाउंड्स. ओके, ये जो होता है लीप्स एंड बाउंड्स का, हम बोलोगे कि छलांग लगाना या कूदना उछलना, कि इसमें अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं. नाउ वी हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स. अभी हमारे पास स्टूडेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, देयर स्टडी पैटर्न्स, वो किस तरह से स्टडी करते हैं. एंड वी कैन नाउ प्रिपेयर कस्टमाइज एंड डायनेमिक लर्निंग प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एन इंडिविजुअल स्टूडेंट. इस तरह से लोगों को जो भी चाहिए उस तरह से स्टूडेंट्स को भी अच्छी तरह से कॉन्टेंट प्रोवाइड किया जाता है. एवरी स्टूडेंट्स कंप्रेंशन लेवल इज डिफरेंट. हर एक स्टूडेंट का समझने का तरीका वो अलग होता है. The course material can now be designed catering. Catering to different requirements of the students. Big data makes it convenient to understand their choices, their difficulties, information regarding various courses and specialties. अभी क्या होता है कि जितने बच्चे ये पढ़ते हैं, ठीक है, English Master Channel पे जितने भी students हमारे channel को like, share, subscribe करते हैं, यानी कि अभी 3 lakh के ऊपर 3 lakh plus हमारे students हो गए हैं, हमारे channel के subscribers हो गए हैं. So इस तरह से क्या होता है कि लोग जुड़ जाते हैं और उनको फिर कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिलता है. बिग डेटा मेक्स इट कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड देयर चॉइसेस, देयर डिफिकल्टीज, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस कोर्सेज एंड देयर स्पेशलिटीज. हर एक कोर्स से रिलेटेड आपको फिर वैसी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी. वी ऑल्सो हैव एन एक्सेस टू द रिजल्ट्स. फ्रॉम द रिजल्ट्स वी कैन गॉज द प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. की स्ट्रेंथ यानी कि आपको जो सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आया तो आप उसमें 100% दे सकते हो. वीकनेस यानी कि कुछ कोई सब्जेक्ट अगर समझ में नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम्स हो जाती है, किसी वर्ड का मीनिंग समझ में आता है किसी का नहीं, इसलिए हमने इंग्लिश मास्टर इस चैनल थ्रू हर एक इंग्लिश वर्ड का, हर एक इंग्लिश टॉपिक का हिंदी में ट्रांसलेशन दिया है कि बच्चों को समझ में आने के लिए आसानी हो. सो ये आपकी एक दिन स्ट्रेंथ बन जाएगी, राइट. This will also help in guiding the student regarding the best career for him based on the mental makeup and abilities. An in-depth study of all this would definitely give new insights into the education industry and help in improving the operational effectiveness and working institutes. Okay, इससे क्या होता है कि स्कूल का भी देखो ऑनलाइन स्टडी चल रहा है, बच्चों को किसी कोई कोई बच्चों को समझ में आता है किसी को नहीं आता, तो ये जो एक वीडियो है आप कितनी बार भी देख सकते हो जब तक आपको समझ में नहीं आता. सो ये है the use of the big data in education industry. This would in general enhance progress of all students. Big data has provided a solution to one of the biggest pitfalls in the education industry, that is one size fits all. So, ये इन्होंने बोला है कि education industry में एक ही ऐसा content दिया जाता है कि सबको वो समझ में आना चाहिए. We have innumerable uses of big data. Innumerable means जिसको हम आप गिन नहीं सकते. It is helpful in scientific researches. Scientific research को भी ये help करता है, हर different kinds of आप research करके फिर पता लगा सकते हो. Understanding geographical phenomena, helping in the smooth working of the government machinery etc. It is a genie in our hands. It lies in our hands to make the optimum use of it for the benefit of mankind. लोगों की भलाई के लिए भी अभी इसका इस्तेमाल किया जाता है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन बनाए जा रहे हैं, यानी कि देखिए कि जैसे कि रोबोट थ्रू हॉस्पिटल्स हो, वहाँ पे फिर टैबलेट्स प्रोवाइड करने हैं, पेशेंट्स को हैंडल करना है, तो रोबोट्स का यूज किया जाता है. सो इट्स वी कॉल द गवर्नमेंट मशीनरी विच वे दे आर टेकिंग द हेल्प ऑफ देम. ओके, सो ये जो है पूरा एक लेसन है. आई होप कि आपको समझ में आया है. The big data, big insights gives you the knowledge about the social media, the understanding of the internet, the understanding of the social media, the data or the information which helping you to develop your career or to develop your future. Okay, so thanks a lot for your help and support, and jaldi hi milte hain next lecture mein. Tab tak ke liye take care, bye bye.